हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत। और आज की क्लास में जानेंगे कि अगर हमको टेबल में बॉर्डर लगाते समय बॉर्डर को कोलैप्स करना है तो कैसे बॉर्डर को कोलैप्स करना। हाँ, जो कि सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, जो कि हम लोग का डेटा उस कंप्यूटर में रह गया था, तो आज पहले हम लोग अपना डेटा बना लेते हैं। क्लियर है ना? इन सभी कंटेंट को यहाँ से कर दिए डिलीट। बस, और डिलीट करने के बाद से हम एक बना लेते हैं क्या, टेबल। हाँ, टेबल क्रिएट कर, यहाँ क्रिएट कर लिए। क्लियर। टेबल के अंदर पहले हमको लगाना होगा टी आर। टी आर क्यों लगाएंगे? टी आर क्यों लगाएंगे? टेबल रो के लिए, एक रो चाहिए। जैसे सपोज कि आप लोग एक्सेल में काम करते हैं ना, तो रो और कॉलम ही काम करते हैं ना, तो वैसे रो चाहिए, तो उसके लिए कौन सा टैग लगाएंगे? टी टी आर। और टी आर टैग के अंदर आपको पहले देना होगा टी एच। टी एच क्यों देंगे? हेडिंग टी एच क्यों देंगे? हेडिंग टेबल हेडर के लिए। इसके लिए टेबल हेडर टेबल हेडर पहले हमने दे दिया क्या, रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या दे दिए? हेडर रजिस्ट्रेशन नंबर। अगला इसके नीचे एक और हेडर कर देते हैं क्या, टी एच। टीएच के बाद हम इसमें कर दिए क्या, स्टूडेंट नेम। और टीएच के नीचे कर दिए क्या, एक और दे देते हैं क्या, उसका कोर्स। बोला एक और दे दिए क्या, आप बोला पिछली क्लास में हम लोग एक और भी डेटा लिए थे ना, जैसे टीएच ले लिए थे, उसका फी ले लिए थे। क्या ले लिए थे? फी। और फी के बाद हम आगे ले लिए थे क्या, हाँ, ड्यूरेशन। क्या ले रहे थे? ड्यूरेशन। अब इसके बाद से ये तुम्हारा पहला हेडिंग बन के तैयार है, यानी कि ऊपर वाला हमारा हेडर बन के टेबल का क्या है, तैयार है। कंट्रोल यस से सेव कर लेंगे और इसको एक बार कर लेते हैं गो लाइव। देखते हैं गो लाइव पे कैसे अभी दिखता है। तो सिर्फ क्या दिखाई देगा, सिर्फ हेडर दिखाई देगा, दिख रहा है ना कि ऊपर हमने अपना हेडिंग दे रखा है, उसके नीचे हमने ये दे रखा अपना कोर्स का अपना हेडिंग। हाँ, इसके नीचे एक और अब हमको रो बनाना होगा ना, एक और बना लेंगे टी आर टैग। और इसके नीचे लिखेंगे क्या, डी एच लिखना होगा, टी डी यानी कि टेबल डेटा। वो तो हमारा हेडर था, हमने हेडर के लिए टी एच लिखा था, तो टी डी किसके लिए लिखेंगे, टेबल डेटा। तो इसमें सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन नंबर कर दिए किसी का, 4202 ही कर, या कल हम लोग 101 लिए थे ना। जी सर, इसके नीचे एक और लगा लिए टेबल डेटा, और इसमें लिख दिए नाम, विवेक शर्मा। और उसके बाद हम कोर्स का नाम लिख दिए नीचे, टी डी ए डी सी ए। उसके बाद फिर लिख दिए टी डी, और टी डी में एक और कर दिए क्या, ड्यूरेशन कितना। हाँ, पहले फी है ना, पहले फी लिख दी कितना, 15। हाँ, और उसके बाद हम यहाँ पे दे दिए क्या, टी डी, और ड्यूरेशन दे दिए कितना, मंथ। ये हाँ, ड्यूरेशन दे दिए 12। कंट्रोल ऐसे क्या कर ली, हो जाएगा ना। हाँ चलिए, यही डेटा हम क्या करते हैं, टी आर टैग से यहाँ से कर लेंगे कॉपी। और जस्ट इसी के नीचे जितने लोग का बनाना होगा एक बार क्या करते जाएंगे, जैसे हम कुछ लोग का यहाँ ले लिए। और बाद में हम क्या करेंगे कि जो डेटा हम लिखे हैं ना, उसके थोड़ा सा जो भी डेटा अलग अलग होगा वो चेंज करते हुए चले जाए। हम दो कर दिया, यहाँ पे लिख दिए किसका नाम, चलो यहाँ पे कर दिए रोहित सर, है ना। फिर नीचे आ गए, ये कितना हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा ना, इसको हमने कर दिया 3। नीचे आ जाए, इसको कर दिया कितना, 4। उसके नीचे 5, उसके नीचे 6 6 लोग हमने ले लिया। हाँ, नाम आप लोग अलग अलग चेंज कर लीजिए, फिलहाल समझने के लिए इतना ही रहे। कंट्रोल यस से कर लिए सेव। और अब आ गया आउट, कितने लोग का डेटा आपको दिख रहा है ना। हाँ, लेकिन करना ये है ना, इन सबको बॉर्डर के अंदर रखना है, क्योंकि अभी आपको बॉर्डर दिखाई नहीं। तो उसके लिए हम आ जाएंगे सबसे ऊपर हेड एरिया में।
इसमें आना होगा हेड एरिया, हेड यहाँ पे क्लोज हो रहा है ना, सर तो जस्ट इसके ऊपर आ जाए, इसके ऊपर और इसके नीचे, आप इसके बीच में कहीं भी लिख सकते हैं, आया समझे ना। हम टाइटल के नीचे लिख दिए, यहाँ पे टाइटल के नीचे क्या लिख दिए, स्टाइल टाइटल के नीचे हम यहाँ पे लिख दिए सबसे पहले स्टाइल, क्या लिख दिए स्टाइल स्टाइल के अंदर हम लिख देंगे टेबल। ध्यान रखिए अगर सिर्फ टेबल करेंगे ना, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसको कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं यहाँ पे, कर्ली सर ब्रैकेट ओपन कर लिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए क्या बॉर्डर, क्या लिख दिए बॉर्डर 2 पिक्सल कर देते हैं, ज्यादा मोटा नहीं चाहिए, बस 2 पिक्सल। आगे हम कर दिए क्या सॉलिड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सॉलिड और उसका कलर कर दिए ब्लैक, हो जाएगा ना। सर सेव करेंगे, अब देखिए क्या सब पे बॉर्डर लगा रहेगा, सिर्फ बाहर बाहर आप ये बॉर्डर लगा रहे हैं, आ रहा समझे ना। और यही अगर जो इसी में हम कॉमा करके अगर जो टीएच दे दें, क्या दे दें टी, सर और सेव करके अगर जो अब आएंगे, देखिए सिर्फ हेडर सेक्शन में लगा हुआ दिख रहा है ना, और उसके बाद और हम यहाँ पे करेंगे टीडी कॉमा टीडी और सेव करेंगे, तो अब जाके पूरे पे बॉर्डर लगा रहा है, क्लियर है ना। हाँ लेकिन आज की क्लास में जो सीखने वाले, एक चीज और करिए, वो इसमें टेबल के अंदर आ जाइए और यहाँ लगाइए स्टाइल, क्या लगाएंगे स्टाइल स्टाइल के अंदर लिख लेंगे क्या विथ, और विथ में फिलहाल हम कर दे 50%, सेव कर लिए, और फिर आगे कहाँ पे आउट यहाँ, अब 50% आ गया है ना। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कोई भी बॉर्डर किसी भी बॉर्डर से जुड़ा हुआ नहीं है, दिख रहा है ना, बस आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर का है ना, वो रजिस्ट्रेशन नंबर में ही बस एक बॉर्डर अलग बना हुआ है, स्टूडेंट नेम अलग ही बना हुआ है, कोर्स नेम वो अलग ही बना हुआ है, फी अलग ही बना हुआ है, यानी कि जो भी आप डेटा लिखे हैं ना, वो सारा डेटा को जब आप बॉर्डर देखे ना, तो एक एक में किसी से जुड़ा नहीं, किसी से जुड़ा हुआ है, ये सर सारा क्या है अलग अलग, आ रहा समझ में ना। तो यही हम लोग जानेंगे कि आज की क्लास में, कि अगर जो इसी को हम कॉलेप्स करना चाहते हैं, कि सारा बस एक बॉर्डर बनाना चाहते हैं, कि सारा एक ने एक से जुड़ा रहे, आ रहा समझ में ना, जैसे जब तो ये बॉर्डर है, तो ऐसे एक लाइन पूरा नीचे चला जाए, फिर ये ऐसे रहे, बस एक एक लाइन रहे, आ रहा समझे ना। तो उसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे बॉर्डर कॉलेप्स, उसी के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे कैसे, तो पहले आ जाइए वीएस कोड पे, और वीएस कोड पे आने के बाद से आपको करना हो किसका स्टाइल के अंदर, किसके अंदर आना होगा स्टाइल के अंदर, और स्टाइल के अंदर आपको क्या लिखना होगा, तो पहले लिखना होगा यहीं पे बॉर्डर, पहले क्या लिखना होगा बॉर्डर कोलैप्स, क्या लिखना होगा बॉर्डर कोलैप्स, दिख रहा है ना, और इसके अंदर भी हमको रखना होगा कोलैप्स, पहले हमने यहाँ पे अपना क्या रखा कोड बॉर्डर कोलैप्स, और उसके अंदर भी हमने उसका सोर्स दे दिया क्या बॉर्डर हमारा कोलैप्स होना चाहिए, बस कंट्रोल एस से करिए सेव, और आ जाइए किस पे, अब आपको बॉर्डर दिख रहा है क्या, अभी भी सारा अलग अलग पड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ सारा एक में ना। हाँ बस किसका हमने इस्तेमाल किया यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स, देखिए इसको यहाँ से हटा दिया, कंट्रोल एस से कर लिए सेव, और अब आ गया आउट, अब दिख रहा है आंसर, हो जाएगा ना। और जस्ट यहीं पे हम क्या कर दिए, फिर टाइप कर दिए बॉर्डर कोलैप्स, क्या टाइप कर दिए बॉर्डर कोलैप्स के अंदर टाइप कर दिए कोलैप्स, सेव किए, और अब आ गए कहाँ पे आउट, अंदर दिख रहा है ना, कोई दिक्कत इसमें, बॉर्डर कोलैप्स वाला कर ले जाएंगे ना। सर आप लोग देखिए पेज नंबर कितना पे दिया है नोट्स में, 16 पे, पेज नंबर 16 पे देखिए दिख रहा है वैसे टेबल, हो जाएगा ना। और हाँ अगला जब जाएंगे ना, तो अगला दिया है एडिंग सेल पैडिंग इन एन एचटीएमएल टेबल, ध्यान रखिएगा इस पेज देने के लिए दो चीज का इस्तेमाल किया जाता है, पहला मार्जिन होता है और दूसरा होता है पैडिंग, पहला क्या होता है मार्जिन और दूसरा होता है पैडिंग। तो चलिए यहाँ पे पहले इसका डायग्राम समझ लीजिए, कि सबसे पहले हम
हम अपने पेज पे समझ लेते हैं कि हमारा पेज है टोटली ब्राउजर पेज जो हमने ले लिया टोटली हमारा क्या है ब्राउजर। और उसके अंदर हमने ये टेबल बनाया, उसके अंदर हम ये क्या बना दिए, और टेबल के अंदर हम ये सेल बना रहे। एक ही सेल ले लेते हैं सपोज करिए, टेबल के अंदर हमने क्या ले लिया, थोड़ा सा इसको हटाइए दूसरा टेबल लेते, यही बात इसके थोड़ा सा और अंदर कर। अब अंतर समझिए, थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पहले हमने क्या लिया बॉडी लिया, पहले क्या ले लिए बॉडी, या फिर थोड़ा सा हम इसका कलर थोड़ा सा चेंज करके ही ले चलते हैं ताकि बेहतर। हमने बॉडी ले लिया किस कलर का है, येलो। बॉडी किस कलर का ले हेलो, ली, और उसके अंदर जो हमको टाइप कर जो हमारा क्या है बॉर्डर हमने लिए लाइट ग्रीन, क्लियर है ना। और जो हमको कंटेंट लिखना है कंटेंट हम ले लिए किस कलर में, रेड। इसमें ध्यान दीजिए अगर जो इस बॉडी के बाहर इस यहाँ पे अगर जो आपको जगह देना होगा तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे होगा मार्जिन, वो क्या होगा मार्जिन। समझिएगा कि आपका बॉडी है और ये आपका टेबल है और ये आपका क्या है कंटेंट। तो बॉडी और उसके बाद फिर किसका, और जो टेबल के बीच में कोई भी स्पेस आपको देना है उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे किसका, मार्जिन, क्लियर है ना। और टेबल के अंदर, टेबल तो यही है ना, इसके अंदर आप ये जो सेल का कंटेंट ये जो लिख रहे हैं ना, इस कंटेंट का अगर जो आपको स्पेस अगर जो मेंटेन रखना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, पैडिंग, इसका पैड, क्लियर है ना। तो ये अंदर समझा रहा है, देखिए अभी हम लोग को यहाँ से जाना है पैडिंग के बारे में, लेकिन पैडिंग क्या है पहले ये समझ, क्या है पैडिंग। और टेबल और उसके हाँ बीच में टेबल, और टेबल यानी कि सपोज एक सेल जो है ना, सेल के अंदर जो हम कंटेंट लिखेंगे ना उस कंटेंट और सेल के बीच में कितना दूरी चाहिए वो हमारा डिफाइन करेगा कौन, पैडिंग, कौन डिफाइन करेगा, पैडिंग। लेकिन वही और जो टेबल और बॉडी के बीच में और जो दूरी चाहिए फिर वो कौन डिफाइन करेगा, क्लियर है ना। अब जैसे ध्यान दीजिएगा अगर जो आप यही स्टाइल में आ जाते हैं वीएस कोड में आ जाइए और इसी के नीचे लिख लीजिए मार्जिन। मार्जिन पहले हम देते हैं लेफ्ट साइड से, किस साइड से, लेफ्ट और इसमें ज्यादा नहीं फिलहाल दे दिए 10%, सेव किए और सेव करने के बाद हम आ गए अपने आउटपुट। अब आपको मार्जिन दिख रहा है, कहाँ होगा है, बॉडी और टेबल के बीच में होगा है ना। लेकिन वही अगर जो आप ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे हैं ना, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके नीचे आप लिखे हैं, इसके और इस टेबल के बीच में यदि आप स्पेस देना चाहते हैं उसके लिए आपको कोड पे आना होगा और इसके नीचे आपको लिखना होगा पैडिंग, क्या लिखना होगा पैडिंग, लेफ्ट से जिधर से वो कंटेंट आपको लगा ले रहा हूँ। और अगर जो आपको चारों तरफ से चाहिए ना सिर्फ पैडिंग का इस्तेमाल करें, इसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग टॉप से आपको चाहिए 10%, टॉप से कितना चाहिए 10, कॉमा करिए फिर कॉमा करके दे दीजिए आप कितना कि आपको लेफ्ट साइड से कितना चाहिए, तो 10%, लेफ्ट साइड से भी कितना चाहिए 10%, दो हो गया ना, जो कि कितना होगा 4 होगा ना। अगर जब बार बार लगाने जाएंगे आपको पैडिंग टॉप लगाना होगा, पैडिंग बॉटम लगाना होगा, पैडिंग लेफ्ट लगाना होगा और पैडिंग राइट। लेकिन वहीं पे अगर सिर्फ हम पैडिंग का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे 10 क्या करेंगे, कॉमा करते जाएंगे और चारों को टाइप कर लेंगे एक साथ काम करें, यहाँ हम कर दे फिर इधर कितना चाहिए 20%, और फिर उसके आगे हम कर दिए कॉमा, ये भी कर दिए 20%, सेव किए और सेव करने के बाद फिर कहाँ पे आ गया ये अब स्पेस कहीं दिख रहा है आपको, तो स्पेस ऐसा भी नहीं दिख रहा है ना। चलिए कोई नहीं, हो सकता है कि जो हम लोग टेबल को ये जूम किए इसके वजह से हो, तो फिर एक काम करते हैं हम लोग थोड़ा सा अलग अलग ही पहले लगा ट्राई कर लेते। पहले हम यहाँ क्या कर दिए पैडिंग लेफ्ट कर, लेफ्ट में कितना परसेंट, 10% ही रखते हैं, ध्यान रखिए इसको परसेंटेज में भी दे सकते हैं और पिक्सल में भी दे सकते हैं, सेव कर दिए और सेव करने के बाद आगे किस पे आउट। कैंसिल हो गया सर, कैंसिल हो गया फिर हो गया है सर, टैक्स का बात नहीं,
देखो ये सिर्फ काम कर रहा है, इसमें हेड एरिया में काम कर रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, देखो कहाँ से लिखा हुआ है, और यहाँ पे दिख रहा है ना। थोड़ा सा और टाइम इसकी ये बढ़ा दे इसको, इस बार कर दे कितना 50% सेव कर लिए, और आगे कहाँ पे आउट अरे मार्जिन कर सेल मार्जिन मार्जिन टाइप किए हैं। अच्छा टेंशन इसीलिए नहीं आ रहा था ना। चलो मार्जिन 10% है ना। अब यहाँ कर दिए पैडिंग लेफ्ट साइड, कितना परसेंट, 10% ही रखते हैं। सेव, और सेव करके आगे अपने किस पे, और अंदर दिख रहा है ना 10, कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। हाँ अभी आपको कंटेंट इधर बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, पता है क्यों? क्योंकि हम टेबल के अंदर स्टाइल लगा रखे हैं कि 50% को क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। इसको हटा दिए, सेव, और सेव करने सब आगे पेस्ट हो जाएगा ना। हाँ मार्जिन अभी आपने किधर से दिया है, लेफ्ट लेफ्ट साइड से, अगर जो राइट साइड से भी देना है फिर उसके लिए फिर इस्तेमाल कर लीजिए पैडिंग राइट का, किसका, पैडिंग राइट, इसको भी देते हैं कितना परसेंट, 10%। सेव कर लिए, और आगे किस पे, राइट थोड़ा सा करना होगा ना पेज को, जूम आउट करना होगा, रिफ्रेश, क्योंकि पता अभी क्यों नहीं होने दे रहा है, पता नहीं चल रहा अभी आपको, क्योंकि 10% इधर से भी और 10% इधर से, नहीं सिर्फ आप राइट की जगह सिर्फ टॉप करें, राइट की जगह क्या कर दे, सिर्फ तो टॉप कर दे, सही सेव करिए, और फिर अब आउटपुट में आ जाइए। अब टॉप से आपको दिख रहा है नीचे सर हो जाएगा ना। हाँ पहले काम करते हैं, हम लोग जाते हैं बोर्ड पे, और जो हमने किधर से दिए हैं पैडिंग, जो यहां से दिए इसको हटा लेते हैं लेफ्ट साइड से, क्या कर लिए सेव, और अब आगे कहाँ पे आउट, अब दिख रहा है सिर्फ किधर से है ऊपर से टॉप्स, हो जाएगा ना। हाँ अब नहीं तो आप राइट से भी लगा सकते हैं, बटन से लगाना तो बटन से भी लगा सकते हैं, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब हम आउटपुट में आ रहे हैं ना, तो जो अभी हम डायग्राम बनाए थे आपको दिखाने के लिए, सपोज करिए कि आपका बॉडी है बाहर बाहर आ रहा समझे ना, और ये आपका क्या है टेबल है, ये क्या है टेबल है, तो टेबल और बॉडी के बीच में अगर स्पेस चाहिए होगा हम किसका इस्तेमाल करेंगे, मार्जिन, और वही अगर जिस सेल से इस कंटेंट की अगर जो दूरी चाहिए उसके लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, पैडिंग। इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है ना कि पैडिंग का इस्तेमाल कब करेंगे और मार्जिन का इस्तेमाल कब करेंगे। कहीं भी आपको एक कंटेंट बनाइए, और उस कंटेंट को बनाते समय यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमको मार्जिन देना है किसमें, सेल के अंदर, हम मार्जिन का इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे पैडिंग। अब वही अगर जब बाहर से आपको देना है, नहीं टेबल के बाहर रहेगा उसके लिए फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे देखिए अभी हम लेते हैं मार्जिन टॉप, क्या ले ली मार्जिन टॉप, 10% सेव, और आउटपुट में आ गया। अब देखिए ऊपर से 10% नीचे आया है ना, जी हो जाएगा कोई सर दिक्कत इसमें। हाँ तो दो अगर ये कोड नहीं दिया हो लिख तो लिख लीजिए बेहतर रहेगा, ली वो हाँ बस यही लगा है उसके नीचे, कोलैप्स वाला तो दिया है शायद, दिया है कोलैप्स वाला, ये बस नोट कर, टैग नहीं टैग नहीं है, उसी के अंदर ही लिखा है आप जो स्टाइल लगा है ना, क्या बोलेंगे ये बॉर्डर कोलैप्स है, बॉर्डर कोलैप्स का हेडिंग जानते हो क्या लिख दो, और जो अपने नोट्स में लिख रहा है तो लिख लो कि अगर जो पूरे बॉर्डर को एक में जोड़ना है तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे किसका, बॉर्डर कोलैप्स, और उसके लिए हम स्टाइल टैग के अंदर ही लगा लेंगे क्या, बॉर्डर कोलैप्स, और उसके अंदर हम सोर्स सेलेक्ट कर लेंगे कोलैप्स, बोलेंगे इसके बाद डायग्राम हो गया।
बैकग्राउंड ये वो भी बताते हैं। एक दिन में तुम लोग इतना ज्यादा सीखोगे तो नोट्स बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। बढ़िया इसका सीएसएस का मिले क्या हो गया। गया बॉर्डर में और कुछ कौन नहीं सा? नहीं देखो बॉर्डर में ये जान क्या लगाया है, ये पैडिंग लगाया ये वाला। है सर, नहीं अच्छा ऐसे कर्सर रखे थे ना तो ये दिख रहा होगा बस। वो हट गया था, वो हट गया था, अरे ये जैसे इस पे आ जाए कर्सर ना तो ऐसे आ जाए सही आया सर। हम लोग। ये बात से कॉपी मारना जैसे और इसे और इसी बात को माता और सिर्फ के साथ ये सर क्या हुआ? क्या कौन हिंदी टाइप में ज्यादा थोड़ी है। और इसके साथ हिंदी टाइम में देखो क्या है, सबसे बेहतर रहता इसका है। तो ले पहले नोट कर लो फिर बताते हैं। इसका हो गया इसको इसका हो गया। अब इसका चलिए ध्यान दीजिए। अब इसका आपको टेबल बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। इसका अगला कंटेंट क्या है? टेबल बैकग्राउंड। ध्यान रखिए बस ये छोटे छोटे टैग हैं, छोटे छोटे कंटेंट हैं, इनका कब इस्तेमाल करेंगे और जो आप लोग नोट्स में लिखना चाहते हैं बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। इस सबसे पहले हमने आपको बताया किसके बारे में, बॉर्डर कॉलम्स के बारे में। इस सभी बॉर्डर्स को यदि हम एक में जोड़ना चाहते हैं किसका किसका इस्तेमाल करेंगे? बॉर्डर कॉलम्स। और उसके अंदर हम लोग दे देते हैं सोर्स कौन सा? कॉलम। ध्यान दीजिए ये आपका टाइटल है और टाइटल के अंदर ये जो है ये आपका क्या है, सोर्स है। में ना टाइटल में क्या दे दिए, बॉर्डर कॉलैप्स और सोर्स हमने क्या लगा दिया, कॉलैप्स। क्लियर है ना? और हाँ जब उसके नीचे आएंगे तो उसके अगला हमने आपको बताया पैडिंग, और पैडिंग के साथ साथ एक और हमने ऐड करके उसमें मार्जिन। हमने आपको ये बताया कि मार्जिन कब इस्तेमाल करेंगे और पैडिंग कब इस्तेमाल करेंगे। पैडिंग जब सेल के अंदर कंटेंट के बीच में स्पेस देना हो तो, और मार्जिन जब टेबल और बॉडी के बीच में स्पेस देना हो। क्लियर है ना? हाँ बैकग्राउंड क्या है, बस आज सिंपल समझ लीजिए कि अगर आप पूरे पे सारा बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं उसे कि आप बैकग्राउंड कलर क्या लिखेंगे, बैकग्राउंड जो कलर चाहिए होगा कलर सेलेक्ट करिए, कंट्रोल एस से करिए सेव। और अब आ जाइए अपने पेज पे, देखिए आपके बॉर्डर का कलर ये सारा चेंज हो गया बैकग्राउंड हो जाएगा ना। और दूसरी चीज आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहते हैं तो जहां पे आप ये ब्लैक लिखे हैं ना वहां पे अदर कलर्स ले लीजिए, हो जाएगा ना। बस ये मार्जिन और पैडिंग दोनों हटा देते, ये लिख लिया मार्जिन और पैडिंग वाला ना, सेव किए। और सेव करने के बाद हम आ गए अपने पेज पर, दिख रहा है ना। जी सर, थोड़ा सा इसके अंदर हम लोग फिर दोबारा स्टाइल लगा लेते हैं ताकि ये पूरे पेज हमारा दिखाई दे। उसके अंदर क्या लिख दी, विथ विथ के अंदर 100% सेव। और अब आ गया और टेबल दिख रहा है ना। हो जाएगा। बॉर्डर का कलर चेंज हुआ है, बॉर्डर का कलर हमने चेंज कहाँ से किया, बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया? हाँ पहले आ जाएंगे बॉर्डर कलर चेंज करने के लिए स्टाइल में, जो हम पहले बॉर्डर लगाए थे सॉलिड वाला ना, बस यहाँ पे हम कलर ब्लैक दे दिए थे, इस पर जो कलर चाहिए वो हम कलर टाइप कर।
ली, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें? तो दूसरी चीज कि जो भी आप लोग सॉलिड लिख रहे हैं ना, क्या लिख रहे हैं सॉलिड, आपको ऐसे कुछ बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, लेकिन थोड़ा सा विच को मोटा कर देते हैं 10 पिक्सल सेव और आउटपुट थोड़ा सा मोटा दिख रहा है ना। देखिए सॉलिड है तो ऐसे दिख रहा है, सॉलिड को हटाइए और लिख लीजिए डॉटेड, क्या लिख लीजिए डॉटेड सेव करिए और अब आउटपुट पे आ रहे, सारा बॉर्डर दिख रहा है। ये बॉर्डर का स्टाइल है, जैसा बॉर्डर स्टाइल लेना चाहते वैसे। भी अच्छा है। अरे हाँ बस इसमें इसका सोर्स था तो मैंने आपको बता दिया। हाँ हाँ एक और है डॉटेड, ये डॉटेड था ना तो डैश है, ये कैसे क्या है डैश, सेव करिए और अब आउटपुट में आ जाइए, आपको डैश डैश करके दिखाएंगे, हो जाएगा ना। और यदि इसी के जगह पे यदि आप कर देंगे नॉन, क्या कर लेंगे हाँ नॉन, और यदि आप सेव करेंगे तो आपको कोई बॉर्डर दिखाई हो जाएगा। बैक आते हैं और सबसे बेहतर हम लिख लेते हैं सॉलिड सेव और फिर आगे पेज, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? बिल्कुल तो ये आज आप लोग यहाँ से ट्राई करिए लोग, बाकी का अगली क्लास में आपको बैकग्राउंड में कुछ और तरीका इसमें बताएंगे कि बैकग्राउंड किसी एक पार्टिकुलर को करना है तो कैसे बैकग्राउंड करेंगे। क्लियर सबको ना? सर, हाँ अगर एक बोर्ड के पेज पर है सर्कल के माध्यम सर्वे पेज पर जाना कैसे जाएंगे? उसके लिए थोड़ा सा लंबा शॉर्टकट क्या होता है, तो जब राइट क्लिक करोगे ना तो ये पे ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे ओपन विथ लाइव सर्वर, अल्ट एल फिर अल्ट ओ, दिख रहा है ना यहाँ पे, राइट क्लिक कर लो, आ गया नीचे नीचे, ओपन विथ लाइव सर्वर, अल्ट साथ यल और अल्ट साथ ओ और यदि स्टॉप करना है, जैसे पोर्ट करके रोकते हैं ना, वो रोकना है, फिर हम करेंगे अल्ट साथ यल और अल्ट साथ, हो जाएगा। राइट क्लिक करेंगे ना बहुत सारा सबका यहाँ पे कुछ ना कुछ शॉर्टकट की दिया हुआ है, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग। जी।